एक गंदे कपड़े को पानी गर्म करके और उसमें सोडा डाल करके भिगा करके पूरी रात डुबाए रहते हैं और फिर उसके बाद उसको उठा करके तालाब के किनारे कुएं पर ले जाते हैं और इतना बड़ा डंडा उठा करके 200 डंडा मार करके धड़ाधड़ उसकी सारी गंदगी को निकालते हैं और धुल करके धूप में डाल देते हैं तो सब कहते हैं वही जो धूली हो ना वही वाला लेकर के आओ। जिस सोने को आप पहन करके ले जाकर के सोनार को देते हैं और सोनार उसको पिघला करके ताप दे करके उसी सोने का आकार दे देता है, उसी सोने का दाम बढ़ जाता है। तो इस जीवन में जो व्यक्ति तप करता है, तप से ही उसकी कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भगवान अपने भक्तों पर कृपा किए, देवराज इंद्र पर कृपा किए और देवराज इंद्र को क्षमा कर दिए। बोले देवराज इंद्र, अब जाओ आप अपनी राजधानी अमरावती में और मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आज्ञा का पालन करना, अब कभी घमंड ना करना, नित्य निरंतर मेरे सानिध्य का अनुभव करना। ये बात कौन कह रहा है? ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि देवराज इंद्र सदैव मेरे सानिध्य को अनुभव करना, ये महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। केवल मैं हूं ये अभिमान है, हमारे साथ भगवान है यही भक्त की पहचान है।